विधानसभा आम चुनाव 2023 मतगणना 3 को तैयारियां पूर्ण, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पाली 1 दिसंबर विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब मतगणना रविवार को जिला मुख्यालय स्थित बांदर कॉलेज में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री नमित मेहता के नेतृत्व में शुक्रवार को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। श्री मेहता शुक्रवार शाम बांदर कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पहुँचे और तैयारी का अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभावार काउंटिंग कक्षों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने एंट्री एवं एग्जिट तथा सुरक्षा की व्यवस्थाएं देखी। मौके पर उन्होंने मीडिया रूम एवं ऑब्जर्वर रूम का भी अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री मेहता ने बताया कि हर विधानसभा के मतों की गणना अलग अलग कक्ष में सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। इसके तहत 116 जैतारण विधानसभा के मतों की गणना कमरा संख्या 8 में 16 टेबल पर 23 राउंड्स में, 117 सोजत की कमरा संख्या 14 में 14 टेबल पर 23 राउंड्स में, 118 पाली विधानसभा के मतों की गणना कमरा संख्या 27 में 15 टेबल पर 22 राउंड्स में, 119 मारवाड़ जंक्शन की कमरा संख्या 1 में 15 टेबल पर 25 राउंड्स में, 120 बाली की कमरा संख्या 10 में 16 टेबल पर 24 राउंड्स तथा 121 सुमेरपुर के मतों की गणना कमरा संख्या 18 में 15 टेबल पर 25 राउंड्स में पूरी होगी। 25 नवंबर को विधानसभावार इस प्रकार हुआ मतदान। 116 जैतारण, कुल मतदाता 308,355, मतदान हुआ -211,486, -68.59%, 117 सोजत, कुल मतदाता -246,023, वोट पड़े -168,048, -68.31, 118 पाली, कुल मतदाता -274,466, मतदान -187,553, -68.33, 119 मारवाड़, कुल मतदाता -294,841, मतदान हुआ -180,707, -61.29, 120 बाली, कुल मतदाता -332,730, मतदान हुआ -219,812, -66.06, 121 सुमेरपुर, कुल मतदाता 311,116, मतदान हुआ -191,157, -61.44, जिले में कुल मतदाता -17,67,531, जिले में मतदान हुआ -11,58,763, जिले में कुल मतदान प्रतिशत -65.56। श्री मेहता ने बताया कि मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश ले पाएंगे तथा प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पास दिखाना अनिवार्य होगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीनें जिला मुख्यालय पर बांदर कॉलेज में बनाए गए मतगणना स्थल के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखी गई हैं। सभी मतगणना कक्ष संबंधित स्ट्रांग के पास ही है एवं स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम के परिवहन हेतु बैरिकेडिंग सुनिश्चित कर ली गई है। प्रशासन की ओर से मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ, आरएसी एवं राजस्थान पुलिस के जवानों की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं तथा प्रत्येक गतिविधि की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। अग्निशमन यंत्र आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतगणना से संबद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित समय पर मतगणना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। श्री मेहता ने बताया कि मतगणना स्थल पर 24/7 कंट्रोल रूम कार्यरत है। मतगणना दलों का प्रथम रेंडमाइजेशन 26 नवंबर को करके प्रथम प्रशिक्षण 28 नवंबर को पूर्ण हो चुका है। मतगणना दलों का द्वितीय रेंडमाइजेशन 2 दिसंबर को ऑब्जर्वर महोदय की उपस्थिति में एवं तृतीय रेंडमाइजेशन 3 दिसंबर को प्रातः 5 बजे किया जाएगा। मतगणना के लिए लगाए गए काउंटिंग ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर एवं काउंटिंग असिस्टेंट को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। शनिवार को काउंटिंग ऑब्जर्वर तथा मतगणना कर्मी एवं मतगणना सहायक के लिए आयोजित होने वाले द्वितीय प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना के दिन ये रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के मतगणना के दौरान रूट डायवर्जन। मतगणना के उपरांत पाली शहर में रूट डायवर्जन इस प्रकार रहेगा। प्रातः 6 बजे से रात 8 बजे तक वाहनों का निम्नलिखित मार्गों पर प्रवेश बंद रहेगा। मस्तान बाबा से सोजत सिटी की तरफ जाने वाले वाहनों का आवागमन शिवाजी सर्किल नहर पुलिया से पूर्णतः बंद रहेगा। इनका आवागमन मस्तान बाबा, सूरजपुर, मंथन तिराहा, लोडिया तालाब पाल से होते हुए ज्योतिबा फुले से होते हुए नया गांव की ओर रहेगा। नया बस स्टैंड से जोधपुर जाने वाले वाहनों का आवागमन मस्तान बाबा, सूरजपुर, मंथन तिराहा, मिलगेट व हाउसिंग बोर्ड होते हुए रहेगा। सोजत सिटी से जोधपुर आने व जाने वाले वाहनों हेतु आवागमन नया गांव, ज्योतिबा फुले, लोडिया तालाब पाल, मंथन तिराहा, मिलगेट, हाउसिंग बोर्ड होते हुए जोधपुर की तरफ रहेगा तथा सोजत सिटी से सुमेरपुर की तरफ आने व जाने वाले वाहनों हेतु आवागमन नया गांव, ज्योतिबा फुले, लोडिया तालाब पाल, मंथन तिराहा, गौरी मूर्ति, सूरजपुर, मस्तान बाबा, नया बस स्टैंड होते हुए सुमेरपुर की ओर रहेगा। मतगणना में लगे सभी कार्मिकों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था राजकीय बांदर महाविद्यालय के मुख्य गेट के अंदर रहेगी। मतगणना स्थल पर किसका प्रवेश कहां से? मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु राजकीय बांदर महाविद्यालय आम सड़क पर स्थित मुख्य प्रवेश द्वार श्रीराम अस्पताल के सामने से सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट तथा मीडिया कर्मियों का प्रवेश रहेगा। इसके पश्चात मुख्य भवन में प्रवेश हेतु व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी। विधानसभा मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, सोजत प्रवेश द्वार छात्र संघ कार्यालय की तरफ। विधानसभा पाली तथा मीडिया कर्मी प्रवेश द्वार, प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट प्रवेश द्वार, मुख्य भवन प्राचार्य कक्ष की तरफ से। विधानसभा जैतारण व बाली प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट प्रवेश द्वार महाविद्यालय मुख्य भवन के पीछे की तरफ। महाविद्यालय में मुख्य सड़क के सामने चैनल गेट सरकारी अधिकारी कर्मचारी प्रवेश द्वार नंबर 01। महाविद्यालय में प्राचार्य रूम की तरफ चैनल गेट सरकारी अधिकारी कर्मचारी प्रवेश द्वार नंबर 02।
सर, ये मतगणना को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं और कैसे क्या? देखिए, 3 तारीख को जो मतगणना हुई उसके संबंध में बांगर कॉलेज में सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई। आज हमारे सारे जो डिपार्टमेंटल अधिकारी जन हैं वो सब में आए, सभी ने एक अच्छे तरीके से राउंड प्रॉपर तरीके से जो व्यवस्था है उसका हमने ट्रायल रन की तरह कर दिया। और सभी व्यवस्थाएँ, चाहे वो IT रिलेटेड हो, चाहे वो सामान्य व्यवस्था हो, सभी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं।